हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 225 परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध करवाई। गौरतलब है कि ये सहायता राशि निर्धन परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है। ऐसे परिवारों का चयन करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत अपने गाँव में निरीक्षण कर डेटा एकत्रित करता है और उसे आगे प्रेषित करता है। इसी के आधार पर प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भारत सरकार की योजना के तहत 225 परिवारों को लगभग 28 लाख रुपए की सहायता राशि शौचालय निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई है। इन परिवारों को दो केंद्रों बसदेड़ा और ऊना के जिला परिषद हॉल में एक साथ बुलाकर इस सहायता राशि के चेक वितरित किए। सतपाल सत्ती ने इसके लिए भारत सरकार की योजना का श्रेय भी दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था कि हर उस व्यक्ति को शौचालय बनाने को पैसा दिया जाएगा जिसकी रिकमेंडेशन ग्राम पंचायतें भेजेंगी कि उसके घर में शौचालय नहीं है। उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 लोगों को शौचालय के पैसे मंजूर हुए हैं। आज ऊना इस हेडक्वार्टर में हमने 11 ग्राम पंचायतों के 96 लोगों को पैसे दिए हैं, लगभग 11,52,000 रुपया, और अगले कल 115 लोगों को बसदेड़ा में पैसे दिए जाएंगे। ये 28 लाख के लगभग अमाउंट बनता है जो शौचालय बनाने के लिए गरीब परिवारों के लोगों को दिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का और उस विभाग के अधिकारियों का और केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, कि गरीब आदमी को शौचालय बनाने के लिए पूरे देश के अंदर लगभग 9 करोड़ लोगों को पैसा दिया जा चुका जो अब भी जारी है और आगे जब तक ये समाप्त नहीं होती हैं चीज़ें तब तक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये सहयोग किया जा रहा है।